हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पीजीटी की, और झारखंड पीजीटी में हम लोग आज की जो क्लास करने वाले हैं वो है औद्योगिक संबंध, जिसे हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन बोलते हैं। आप लोगों ने जब कहा था कि मैंने आप लोगों को 6 क्लासें करा दी हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन की, 5 क्लासें तो लगभग हो ही गई हैं। ये लगभग मैं हम लोगों की जो क्लास है ये क्लास नंबर हम लोगों की ये क्लास नंबर 6 है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, और आप लोगों ने कहा था कि MCQ भी लेकर आइए, तो मैं आप लोगों के लिए इस क्लास में MCQ को लेकर आया हूँ। तो कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न है इसमें लगभग हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन के पहले मैं देखो MCQ भी बात करूंगा। मैंने आप लोगों को बताया कि अच्छी तरीके से क्लास को करने वाले हैं, अब आप लोगों ने ज्यादा डिमांड की थी तो मैंने आप लोगों के लिए ये क्लास आगे लेकर आई है। लेकिन ये मत सोचिए कि यही MCQ की क्लास रहेगी, क्या और भी क्लासें रहेंगी, लेकिन हम लोग पहले थ्योरी को भी पढ़ेंगे साथ ही साथ में, और इनके MCQ भी साथ ही साथ में करते हुए चलेंगे। आप लोगों ने कहा तो मैंने आप लोगों के लिए क्लासें लगा दी। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोगों की स्क्रीन पर। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज आप लोग लाइक जरूर कर दिया गया। मैं सिर्फ लाइक मांगता हूँ आप लोगों से, तो एक लाइक जरूर बनता है। तो क्वेश्चन नंबर एक में लिखा हुआ है कि श्रम संघों का प्रारंभिक काल कब से आरंभ हुआ। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को बताना है कि श्रम संघों का प्रारंभिक काल कब से आरंभ हुआ। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि 1925 में हुआ श्रम संघों का प्रारंभिक काल, 1954 में हुआ, 1918 में हुआ, या फिर 1960 में हुआ। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि श्रम संघों का प्रारंभिक काल कब से आरंभ हुआ। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1918 ईस्वी में श्रम संघों का आरंभिक काल हुआ है। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि श्रम संघों का प्रारंभिक काल की बात अगर हम लोग करते हैं तो श्रम संघों का प्रारंभिक काल 1918 ईस्वी से हुआ है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल, मतलब सी ऑप्शन क्या, मैंने ऑप्शन ही नहीं दिए हैं, मतलब तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने कैसे किया होगा, तो मैंने आप लोगों को डिटेल की क्लास जब करवाई थी तो आप लोग देखते हैं। देखो मैंने आप लोगों को यहाँ पे डिटेल की क्लास करवाई हुई थी, और डिटेल की क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी श्रम संघों का प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल हम लोगों का कब हुआ है, 1918 ईस्वी में। तो इस प्रकार से MCQ आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को बता दिए और दिखा भी दिए कि किस प्रकार से हम लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो श्रम संघों का प्रारंभिक काल कब से हुआ है, तो 1918 ईस्वी से इसका प्रारंभिक काल हुआ है। क्वेश्चन नंबर दो में किसके अनुसार श्रम संघ एक निरंतर संगठन है जो वेतनभोगी कर्मचारियों के स्तर और उनकी आर्थिक दशाओं में सुधार करने की दृष्टि से बनाया गया है। मतलब ऐसा कौन सा संगठन है जो श्रम संघों का एक निरंतर संगठन है जो वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए और उनकी आर्थिक दशाओं में सुधार करने की दृष्टि से बनाया गया है। तो ये बात किसने कही थी, कॉल मार्क्स ने कही थी, बेब सिडनी और बेस्टिक ने कही थी, या फिर यूनिसन कही थी, या फिर प्रोलास्की ने कही थी। तो ये बात किसने कही थी, तो इसका सही आंसर है कि बेब सिडनी और बेस्ट्रिक्स ने कही थी ये बात। तो इसका सही आंसर है हम लोगों का बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द्वितीय महायुद्ध काल में किस सन में प्रारंभ हुआ था। मतलब कि द्वितीय महायुद्ध काल किस सन में प्रारंभ हुआ था, तो ये क्वेश्चन मार्क है। इसको हम लोग, इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि द्वितीय महायुद्ध काल किस सन में आरंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आप लोगों का 1948 है, या फिर 1945 है, 1939 है, या फिर 1962 है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि द्वितीय महायुद्ध काल किस सन में प्रारंभ हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है कि द्वितीय महायुद्ध काल जो है वो 1939 ईस्वी में हम लोगों का प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर है हम लोगों का सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भारत में श्रम संघों का ऐतिहासिक विकास किन कालों में किया जाता है। ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि भारत में श्रम संघों का ऐतिहासिक विकास किन कालों में किया जाता है, वर्तमान काल में, श्रम संघ काल में, समाज कल्याण काल में, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है कि भारत में श्रम संघों का ऐतिहासिक विकास वर्तमान, इसका सही आंसर है 1, 2 और 3 ये सही हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में कि श्रम संघों के प्रकार है। श्रम संघों के प्रकार भी मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं, श्रम संघों के प्रकार भी मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं, 6 प्रकार के बताए हुए हैं, किसी ने बताई हुई है, क्लार्क ने बताई हुई है, ठीक है। ये बातें मैंने सारी की सारी आप लोगों को बताई हुई है। तो वो 6 प्रकार में ये 3 प्रकार भी आते हैं, प्रबंधकीय संघ, विकसित संघ और शुद्ध एवं तेल संघ। ये सभी के सभी जो है वो श्रम संघों के प्रकार में आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं कि श्रम संघों के प्रकार जो है वो कौन कौन से हैं, तो ये बात किसने कही थी, तो इन बात को याद रखना है, ये बात कही थी क्लार्क केयर ने। क्लार्क केयर ने श्रम संघों को कितने भागों में या कितने प्रकार में बांटा है, तो उन्होंने 6 प्रकारों में श्रम संघों को बांटा है। तो पहला जो है वो है शुद्ध एवं तेल संघ। दूसरा जो है, दूसरा की बात की है तो दूसरा है विकसित संघ। और तीसरा जो है वो है प्रबंधकीय संघ। तीसरा जो है वो है प्रबंधकीय संघ। और जो चौथा है वो है नए संघ। और पांचवा जो है वो है श्रम गुट संघ। और जो छठवा है वो है प्रत्यक्ष नियंत्रण संघ। अभी तो मैंने आप लोगों को 1-2 क्लासें मतलब 5 क्लासें कराई हुई हैं, तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को वहाँ पर बताई हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि औद्योगिक संबंधों का प्रभावित करने वाले घटक हैं। औद्योगिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक हैं, तो संस्थागत घटक की बात की है, राजनीतिक घटक की बात की गई है और मनोवैज्ञानिक घटक की बात की गई है। तो ये सभी के सभी जो हैं ये इनके घटक में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि 6वें नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि औद्योगिक संबंधों का प्रभावित करने वाले जो घटक हैं वो संस्थागत घटक, राजनीतिक घटक, मनोवैज्ञानिक घटक और भी जो घटक होते हैं, तो उनमें हम लोगों के सारे आते हैं। तो इसका सही आंसर हम लोगों का डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि औद्योगिक संघर्ष के कारण होने वाले मुख्य प्रभाव हैं। औद्योगिक जो संघर्ष होता है उससे होने वाले मुख्य प्रभाव क्या है, तो उद्योगों पर प्रभाव पड़ता है तो बिल्कुल पड़ता है, समाज पर प्रभाव पड़ता है तो बिल्कुल पड़ता है, उपभोक्ता पर प्रभाव पड़ता है तो बिल्कुल पड़ता है। जब संघर्ष की बात आती है, हड़तालों होती हैं, तो उससे किसको फायदा होता है, तो किसी को फायदा नहीं होता है। उद्योगों पर भी उसमें प्रभाव पड़ता है, समाज पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, उपभोक्ता पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है हम लोगों का डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि ये सभी के सभी प्रभावित होते हैं जब संघर्ष की बात आती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि किसके अनुसार औद्योगिक संबंध श्रमिक प्रबंधकों तथा राज्य के बीच पारस्परिक संबंधों की जटिलता को कहते हैं। तो पारस्परिक संबंधों के बीच जटिलता को कहते हैं, तो ये बात किसने कही थी, तो ये बात कही थी हॉटके ने, जॉन टी डनलप ने, या फिर एच ए क्लैग ने, या फिर टीड ने। तो इस बात का जो उल्लेख किया था तो वो कहा था जॉन टी डनलप ने। तो इसलिए इसका राइट आंसर है हम लोगों का बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि इसके अनुसार मतलब ये पूछा है किसने कहा है कि औद्योगिक संबंध श्रमिक प्रबंधकों तथा राज्य के बीच पारस्परिक संबंधों की जटिलता को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र के अंतर्गत श्रमिक की भर्ती, प्रशिक्षण, सामूहिक सौदेबाजी आदि को सम्मिलित किया जाता है, तो ये कथन किसका है, तो ये कथन किसका है कि औद्योगिक संबंधों के अंतर्गत श्रमिक की भर्ती, प्रशिक्षण, सामूहिक सौदेबाजी आदि को सम्मिलित किया जाता है, तो ये बात किसने कही है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि ये बात किसने कही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डेल योडर साहब ने ये बात कही थी। तो इसका राइट आंसर है, ये कुछ परिभाषाएं हैं, ये तो होती नहीं है यार, लेकिन ये बात जो है इस परिभाषा को आप लोग
स्टार बना लीजिए, क्योंकि ये परिभाषा हो सकता है आप लोगों से पूछी जा सकती है कि औद्योगिक संबंधों के अंतर्गत श्रमिक की भर्ती प्रशिक्षण सामूहिक सौदेबाजी आदि को सम्मिलित किया है जाता है, तो ये बात डेल योडर साहब ने कही थी, तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा, सॉरी 10 में लिखा हुआ है कि किसने कहा है कि औद्योगिक संबंधी कला है उत्पादन के उद्देश्यार्थ एक साथ जीने की कला है, तो मतलब ये बात किसने कही थी, तो ये बात जो कही थी कि औद्योगिक संबंधित एक कला है और उत्पादन के उद्देश्यार्थ एक साथ जीने की कला है, तो ये बात किसने कही थी, तो ये बात कही थी जे हेनरी रिचर्डसन साहब ने कही थी, तो इसलिए इसका राइट आंसर है हम लोगों का बी ऑप्शन, क्योंकि ये परिभाषाएं हैं, इनमें हम लोगों को ज्यादा कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये परिभाषाएं जो होती हैं, जो फैक्ट होता है वही हम लोगों के सामने रखना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि पंचवर्षीय योजनाओं को कितने भागों में बांटा गया है, पंचवर्षीय जो योजनाएं होती हैं तो उनको कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पंचवर्षीय योजनाओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये टॉपिक मुझे आप लोगों को पढ़ाना है, क्योंकि भारत में औद्योगिक संबंध की हम लोगों को बात अगली क्लास में हम लोग करने वाले हैं कि भारत में औद्योगिक संबंध, तो उसी के बीच में हम लोगों का ये पंचवर्षीय योजनाओं का भी टॉपिक आने वाला है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग एमसीक्यू करने के लिए हम लोग कर लेते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं को कितने भागों में बांटा गया है, तो पंचवर्षीय योजनाओं को 8 भागों में बांटा गया है, तो इसका राइट आंसर है 8 जो है वो, मतलब इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में कि भारतीय अर्थव्यवस्था में गतिशीलन के तत्व को प्रविष्ट करने के इरादे से एक नई औद्योगिक नीति, मतलब कि भारत में अर्थव्यवस्था में, भारत में मतलब इकोनॉमी में कि गतिशीलन मतलब गति प्रदान करने के लिए एक नए इरादे से वृष्टि करने के लिए एक नए इरादे से एक नई औद्योगिक नीति की सरकार द्वारा कब घोषित की गई, तो 1995, 1962, 1985 या 1991, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 1991 में हम लोगों की नई पॉलिसी आई थी भारतीय औद्योगिक नीति 1991, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 12वें नंबर का डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि नंदा जी ने अर्थव्यवस्था के संबंधों में कोर्स फिलोसफी वकालत किस सन में की गई थी, तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है कि नंदा जी ने अर्थव्यवस्था में कोर्स फिलोसफी वकालत किस सन में की गई थी, तो इसका जो सही आंसर है वो है 1957, तो 1957 में उन्होंने की थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1957 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन कम क्वेश्चन थे कोई नहीं, लेकिन हम लोग अगली क्लास में और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे, और देखो पहले थ्योरी भी साथ में करेंगे और क्वेश्चन भी साथ में करेंगे, जब आप लोगों ने ज़्यादा किया, ज़्यादा कमेंट किए, तो मैंने आप लोगों के लिए ये क्लास आप लोगों के सामने रख दी है। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और देनी है आप लोगों को कि अब आप लोग इनकम टैक्स में आप लोगों को एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अब मैं आप लोगों को इनकम टैक्स में थ्योरी नहीं कराऊंगा फिलहाल, उसमें एमसीक्यू की कोशिश करने वाले हैं कि एमसीक्यू सारे के सारे चैप्टरों के हम लोग एमसीक्यू को कर ही सकें एग्जाम तक, तो इसलिए मेरा टारगेट है कि आप लोगों के सामने अगली क्लास में आप लोगों के सामने हाउस प्रॉपर्टी जो मैंने पढ़ाया हुआ है कुछ क्लास नंबर 17 में, उसके हम लोग एमसीक्यू करें क्लास नंबर 18 में, उसके बाद हम लोग लगातार एमसीक्यू ही करते चलेंगे, ठीक है। तो ये मेरी क्लास आप लोगों को देखनी है और अच्छी तरीके से आप लोगों को एसपी एजुकेशन चैनल से जुड़ना है और उसको शेयर करना है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की स्थापना जब की गई थी, तो 1946 में की गई, 1948 में की गई, 1942 में की गई, या फिर 1950 में की गई, तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई, तो इसका जो सही आंसर है वो है 1942 में की गई, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1942 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर किया करें, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ शेयर जरूर कर दिया करें, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही आगे क्लासें बनाता रहूँगा और आप लोगों को क्लासें देता रहूँगा, बस आप लोगों को एसपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक जरूर करना है। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।